नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 का पांचवा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। एक घन आकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ध्यान से देखें, यह प्रश्न बिल्कुल जैसा आपने चौथा प्रश्न किया उसके जैसा ही है। ये एक घन है, घन में एक अर्ध गोलाकार गड्ढा खोदा गया है, ठीक है बच्चों। और जितनी घन की लंबाई है, मान लेते हैं घन की लंबाई है L, तो गड्ढे का ये जो घन अर्ध गोलाकार गड्ढा होगा इसका जो व्यास होगा वह भी हो जाएगा L सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यह जो है अर्धगोलाकार खड्डा इस घन में से काटा गया है। हमें प्रश्न क्या बोला गया है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी जो बच जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो देखते हैं बच्चों, देखिए अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा, जितनी घन की लंबाई थी L सेंटीमीटर, तो अर्धगोले की त्रिज्या यह हो जाएगी व्यास का आधा यानी L बटा 2 सेंटीमीटर। और हमें पता है घन का किनारा जो है वह है L सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं यहां पर, हमें बोला गया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह किसके बराबर होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर वैसे ही बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अर्धगोला जो है उसमें उसका जो ऊपरी सतह वाला क्षेत्रफल है वह घन में भी होगा, इसलिए वह दो बार काउंट हो जाएगा, इसलिए एक बार उसको माइनस कर देंगे, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धगोले के ऊपरी सतह पर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल है πr². अब हमें इसको बच्चों हल करना है। फिर से 6L² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस कर दिया, बाकी रह गया πr². अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 6 × L, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें घन की लंबाई नहीं दी हुई इसीलिए इसको L ही लेने देंगे, प्लस पाई की जगह हम पाई रहने देंगे, और R क्या है बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या वह है L बटा 2, तो यह हो जाएगा L बटा 2 का होल स्क्वायर। इसे अब हमें हल करना है, तो आइए इसे हल करके देखते हैं। यह हो जाएगा 6L² प्लस पाई, L का स्क्वायर हो जाएगा L² बटा 4, ठीक है बच्चों, L² बटा 4। तो देखिए इसे जब हम हल करेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 4, 4 को 1 से भाग किया 4, 4 को 6 से गुना किया 24, तो 24L² प्लस 4 को 4 से भाग किया 1, 1 को πL² से गुना कर दिया πL², ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, एक तो यह पूरी रकम 4 से भाग हो रही है इसलिए मैं इस 4 को बाहर ले रहा हूं ब्रैकेट में, और दूसरा बच्चों देखिए L² से यह भी गुना हो रहा है, L² से यह भी गुना हो रहा है, तो L² को ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बच गया 24, L² बाहर जा चुका है, प्लस L² बाहर जा चुका है, बाकी रह गया पाई, तो ये आ गया 1 बटा 4 24 प्लस पाई × L²
ठीक है बच्चों। और इसके साथ क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर को यहां से काट रहे हैं क्योंकि हमें सेंटीमीटर दिया नहीं हुआ, और कुछ भी इकाई हो सकती है इसकी, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, इसलिए हम यहां लिख देंगे वर्ग इकाई, जो भी इकाई है उसका वर्ग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 1/4 गुना 24 प्लस पाई इंटू एल स्क्वेयर वर्ग इकाई। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियो देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।